भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे पहला टेस्ट मैच का चौथा दिन समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका अपने दूसरे पारी में 4 विकेट खोकर 94 रन बनाए। भारत अपने दूसरे पारी में 174 रनों पर सिमट गए और दक्षिण अफ्रीका के सामने 305 रनों का लक्ष्य रखे। सेंचुरियन के मैदान पर अब तक 305 रनों के लक्ष्य का पीछा नहीं हुआ है और इसी मैदान पर अब तक सबसे बड़ी चेज 249 रन की रही है। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 34 रन बनाए, वहीं केएल राहुल 23 रन बनाए और राहा ने 20 रन का योगदान दिए। विराट कोहली 18 रन और पुजारा 16 रन ही बना सके। हालांकि यह पिच में चौथा दिन बल्लेबाजी करना आसान नहीं है, लेकिन भारत 174 रन बनाने में सफल रहे। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने लंच के बाद अच्छी गेंदबाजी करके टीम इंडिया को 174 रनों पर रोकने में कामयाब हुए। दक्षिण अफ्रीका के लिए केलिसो रबाडा और मार्क जैनसन ने 4-4 विकेट लिए और लुंगी नेती ने 2 विकेट अपने नाम किए। ऋषभ पंत CLS बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। वे शुरू से ही आक्रामक खेल खेलकर 34 गेंदों में 6 चौके की मदद से 34 रन बनाए। पंत 48 ओवर की तीसरी गेंद पर 2100 रबाड़ा की गेंदबाजी में शॉर्ट लॉन्ग ऑन फील्डर नेगदी के ऊपर से खेलने का कोशिश किए, लेकिन खराब टाइमिंग की वजह से गेंद सीधे उनके हाथों में गया। जब वे बल्लेबाजी कर रहे थे उस समय पर भारत लगातार एक के बाद एक विकेट गंवा रहे थे, लेकिन वे पारी को अपने अंदाजे से खेलकर इनिंग्स को संभालते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाए और भारत के बल्लेबाजों में से सबसे अत्यधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। विराट कोहली दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में से एक हैं। जब वे अपने लय में हो तो किसी भी गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा सकते हैं। वह हमेशा ही बड़ी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे दूसरी पारी में 18 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और उनका विकेट मार्को जैनसन ने लिया। लंच के बाद पहली गेंद पर विराट ने जैनसन की गेंद पर ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन बॉल उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के दस्ताने में समा गई। आप लोग देख सकते हैं कि इस टेस्ट मैच में वे वाइड लाइन को किस प्रकार खेले और आउट हुए। वे जरूर इस लाइन में बल्लेबाजी करने का संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से वे तेज गेंदबाजों के खिलाफ इस तरीके से खेलकर आउट हो रहे हैं। आप लोग देख भी सकते हैं कि तेज गेंदबाजों के खिलाफ कोहली किस तरह आउट हुए। 2100 रबाड़ा फिर एक बार दूसरी पारी में भी कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 4 अहम भारतीय बल्लेबाजों को पेविलियन भेजे। वे अपने दूसरे पारी में 17 ओवर डालकर 2.47 इकोनॉमी रेट के साथ 42 रन देकर 4 विकेट लिए। रबाड़ा आज पहले सेशन में शार्दुल ठाकुर का विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका के लिए पहला बोलिंग करवाए। लंच के बाद वे पहला अश्विन को पीटरसन के हाथों कैच आउट करवाए। उनके बाद ऋषभ पंत को भी वेंडरटूसन द्वारा कैच आउट करवाए और अंत में मोहम्मद शामी को भी मल्डर द्वारा कैच आउट करवाए। आप लोग देख सकते हैं कि रबाड़ा अपने लाइन और लेंथ को किस प्रकार रखे। वे ज़्यादातर शॉर्ट लेंथ में गेंदबाजी करके 3 विकेट हासिल किए। उनका लाइन भी सीधा स्टंप और थोड़ा आउटसाइड ऑफ स्टंप में रखे। अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे मार्को जैनसन ने दूसरी पारी में घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए। वे अपने दूसरे पारी में 13.3 ओवर डालकर 4.07 इकोनॉमी रेट के साथ 55 रन देकर 4 विकेट लिए। वे सबसे पहले भारत के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल का विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को पहली सफलता दिलाए और लंच के बाद उन्होंने कोहली को क्विंटन डिकॉक द्वारा कैच आउट करवाए और आज उनके लिए यह पहला विकेट था। उसके बाद रहाणे को भी वेंडरटूसन द्वारा कैच आउट करवाए और अंत में आखिरी विकेट के रूप में मोहम्मद सिराज को क्लीन बोल्ड करके भारत के इनिंग्स को समाप्त किए। यह मैच जरूर उनके टेस्ट करियर के लिए यादगार होगा। 305 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। मैच के दूसरे ही ओवर में मोहम्मद शामी ने ओपनर एडन मार्करम को बोल्ड कर दिया। उसके बाद पीटरसन को भी मोहम्मद सिराज ने ऋषभ पंत द्वारा कैच आउट करवाया।
उनके बाद वेंडर डुसेन 11 रन बनाकर बुमराह की गेंदबाजी में आउट हुए तो केशव महाराज 8 रन बनाकर बुमराह के ही गेंदबाजी में आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर अपना अर्धशतक बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है और दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए अब भी 211 रन की जरूरत है। दूसरी ओर भारत के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी किया, वे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट हासिल किए और अभी भारत को यह मैच जीतने के लिए और 6 विकेट की जरूरत है। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह 2 विकेट लिए, इनके अलावा मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी को 1-1 विकेट मिला। डीन एल्गर ने कप्तानी पारी खेलते हुए टेस्ट करियर का 18वां अर्धशतक लगाया और एक छोर पर जमे हुए हैं। हालांकि उनके लिए 5वें दिन रन बनाना आसान नहीं होगा। फिलहाल अभी वे 122 गेंदों पर 7 चौके की मदद से 52 रन बनाकर नाबाद हैं। दक्षिण अफ्रीका टीम को जिताने के लिए उन्हें लंबा पारी खेलने की जरूरत है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। वे आज अपने धैर्य को रखते हुए भारत के गेंदबाजों को अपने अंदाजे से खेलकर रन हासिल किए। डीन एल्गर पहले पीटरसन के साथ मिलकर 33 रनों का साझेदारी निभाए तो वेंडर टूसेन के साथ मिलकर 40 रनों की साझेदारी बनाए। आखिरी में केशव महाराज के साथ भी मिलकर 20 रनों की साझेदारी निभाए। वे अपने पारी में ज्यादातर रन ऑन साइड में हासिल किए। जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी किए, वे अपने पारी में 1.86 इकोनॉमी रेट के साथ 22 रन देकर 2 विकेट लिए। वे पहले वेंडर डुसेन को क्लीन बोल्ड करके आउट किए। आप लोग देख सकते हैं कि वे किस प्रकार वेंडर डुसेन को आउट किए। वेंडर डुसेन जिस गेंद पर आउट हुए वह गेंद डिविएट होने की वजह से क्लीन बोल्ड होना पड़ा। अगर डिविएट नहीं होता तो गेंद स्टंप से दूर चला जाता था। जरूर वेंडर डुसेन इस तरीके से आउट होने के कारण निराश होंगे। चौथे दिन के आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने केशव महाराज को शानदार यॉर्कर डालकर क्लीन बोल्ड किया। इसी के साथ एम्पायर ने स्टंप की घोषणा कर दी। भारत इस मैच को जीतने के लिए करीब पहुंच चुका है, ऐसे में यह मुकाबला काफी रोमांचक हो गया है। सेंचुरी टेस्ट में भारत की जीत के बीच बारिश बाधा बन सकता है। दरअसल दूसरे दिन का खेल पूरी तरह से बारिश के चलते धुल गया था। बस आशा यह है कि कल बारिश ना हो और भारत इस मैच को जीत जाए।